अलैकेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन आई मैस टीचर टूडेस हाउ टू बाईसेकट एन एंगल ओपन पेज नंबर वन सेवेंटी वन बाई सेक्टिंग एन एंगल सबसे पहले जो हमने पहले इस बात को भी डिस्कस किया है कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ बाई सेक्टिंग बाई सेक्टिंग मीन्स डिडिंग इंटू टू इक्वल पार्ट्स सबसे पहले हमने देखा था हाउ टू बाई सेक्ट एंड लाइन सेगमेंट कि हमने लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया था अब हमने क्या करना है बाई सेक्टिंग एंड एंगल कि हमने एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में मीन जैसे ये बाई सेक्ट हुआ है ना मिड में इसका ये और ये जो पार्ट है वो इक्वल है दो इक्वल पार्ट्स बनाने हैं हमने तो ये कैसे करेंगे चलें अब इसको देखते हैं बाइसेकट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास एक कंपस होना चाहिए एक पेंसिल एक स्केल और एक मार्कर इससे हम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे ठीक है तो बाईसेक्टिंग का प्रोसेस देखते हैं कि हम क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू बाईसेक्ट एन एंगल एक एंगल को बाईसेक्ट करने के लिए हम क्या-क्या करेंगे लेट एंगल एबीसी बी द गिवन एंगल व्हिच इज टू बी बाईसेक्टेड यानी आपके पास एक एंगल गिवन है एंगल एबीसी ठीक है और आपने इसको बाइसेक्ट करना है वो एंगल किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है चाहे वो फोर्टी फाइव डिग्री का हो थर्टी फाइव का हो नाइनटी का हो वन एटी का हो कोई भी एंगल जो भी आपको गिवन है सबसे पहले उसके साथ क्या करना है विद द एंगुलर पॉइंट बी ए सेंटर एंड विद सुटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू कट द से आर्म बी एंड बी सी एट पॉइंट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली आपने क्या करना है अपने कंपस को किसी भी सुटेबल रेडियस के अकॉर्डिंग ओपन करना है ठीक है उसके बाद आपने पॉइंट बी पे अपनी मेटल टिप मींस कि ये वाली टिप जो है आपने पॉइंट बी पे रखनी है और कोई भी सुटेबल रेडियस ओपन करने के बाद पॉइंट बी को एज सेंटर मार्क करते हुए आपने इस एंगल पे दो पॉइंट्स बनाने हैं ठीक है इन पॉइंट्स को क्या होगा ये पॉइंट्स क्या करेंगे जो हमारी आम है बी ए उसको भी एक पॉइंट पे कट करेंगे और इसी तरह पॉइंट बी सी पे भी एक मार्क बन जाएगा हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे हाईलाइट कर लेंगे कि हमारे पास ये कौन कौन से पॉइंट हैं विद एल एंड एम अब क्या करना है एल और एम को यूज करते हुए हमने क्या करना है एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस इन ईच केस डॉट टू अदर आर्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी कि आपने वही रेडियस ओपन करते हुए पहले एल और फिर एम को वन बाय वन सेंटर कंसीडर करते हुए दो आर्क बनानी है जब वो दो आर्क बनेंगी तो पहली वाली आर्क को दूसरी आर्क एक पॉइंट पे कट करेगी उसको हम नाम दे देंगे पी का ज्वाइन बी एंड पी हमने फिर बी और पी को स्केल की मदद मतलब से ज्वाइन कर देना है प्रोड्यूस आर्म और ए बी पी टू परफॉर्म द रे बी पी कि हम क्या करेंगे ये हमारी एक रे बन जाएगी बीपी इज़ द रिक्वायर्ड बाई सेक्टर ये क्या होगा बीपी हमारा रिक्वायर्ड बाई सेक्टर होगा यानी ये वो पॉइंट होगा जिसने हमारे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बायसेकट कर दिया है चले अब इसको हम बना के देखते हैं सबसे पहले देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ की हम पहले एक एंगल बना लेते हैं ठीक है वो एंगल हमारा कोई भी हो सकता है यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया और मैंने एक पॉइंट यहाँ मार्क किया ठीक है इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक एंगल मैंने टू लाइंस पहले मैंने ड्रॉ की थीके? एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे ये यह एक एंगल बना लिया मैंने ये एंगल किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है ठीक है मैंने इसको नाम दे दिया बी का आपने मार्कर से इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है दे दे आप ए का इस पॉइंट को नाम दे दें आप ए और इसको सी यानी ये एंगल बन गया हमारा ए बी और सी ठीक है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें और इस पर ये मार्क बना दें ठीक है अब हमने क्या करना है अपना कंपास लेना है और हमने क्या करना है कोई भी सुटेबल रेडियस ओपन करना है और एस बी बी को सेंटर कंसीडर करते हुए हमने एक आर्क लगानी है जो कि हमारी आर्क बी सी को एट पॉइंट एम कट कर रही है और बी ए को एट पॉइंट एल कट कर दें। अब हम क्या करेंगे इसी सेम रेडियस को ओपन करते हुए ये मैंने इसको चेंज नहीं किया जस्ट मैंने इसको मार्क करने के बाद साइड पे रखा इसी को यहाँ पे आपने अब आप, एम को एम पॉइंट को आपने क्या करना है सेंटर कंसीडर करते हुए सेम रेडियस की एक आर्क लगानी है यहाँ पे ठीक है लग गई अब आपने इसी तरह एल को सेंटर कंसीडर करते हुए एक और आर्क लगानी तो ये देखिए दोनों आर्क एक पॉइंट पे कट हो गई इस पॉइंट को आप नाम दे दें पी का फिर आपने क्या करना है एक स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दें ठीक है तो और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे ये जो हमारा बाइसेकटर है इसने हमारे इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आई होप कि आपको बाइसेकटिंग ऑफ एन एंगल समझ आ गया है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं